हेलो दोस्तों, तो आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी तरीके से स्वागत करते हैं। तो आज हम आए हैं अपन का ब्लैक बेबी को सर्विसिंग कराने के लिए। तो ये रहा अपन का ब्लैक बेबी और इसका आज तीसरा सर्विसिंग है। तो आज इसका तीसरा नंबर सर्विसिंग करने के लिए हम लोग आ चुके हैं कालोडी और ये रहा यहाँ पर सर्विसिंग करेंगे। बार बार तो यहीं पर सर्विसिंग करते हैं। तो चलिए अभी तीसरा सर्विसिंग में क्या क्या लगता है मैं अभी आप लोग को दिखाऊँगा कि कितना बजट पड़ता है और क्या क्या सामान लगाएंगे। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर तो बाइकों का लाइन लग चुका है, ज़्यादातर अपाची ही देखने को लगता है। यहाँ पर अपाची है, वहाँ एक ठो है, वहाँ एक ठो है, इधर एक ठो है, उधर एक ठो है। हमारे ब्लैक बेबी का सर्विस होना स्टार्ट हो चुका है। अभी हमारे ब्लैक बेबी में क्या क्या प्रॉब्लम है सब कुछ ठीक किया जा रहा है। इधर साथ में एक रेड बेबी है। पहले तो इसका मोबाइल चेंज किया गया है, जो मैं पुराना मोबाइल था उसे निकाल दिया गया है। ये इसका चेन भी टाइट करना है। ये वाला शायद ख़राब हो चुका है, ये वाला पता नहीं क्या है, इसमें फिल्टर वगैरह है इसका अंदर। ये वाला चेंज किया जा रहा है। तो आज भी हम लोग वही सेम वाला मोबाइल डलवा रहे हैं, TVS का। तो यही वाला मोबाइल हम लोग बार बार डलवाते हैं। इसका प्राइस 799 रुपीज़, मतलब 800। तो ये वाला मोबाइल हम लोग अभी डलवा लेते हैं अपना ब्लैक बेबी में। मोबाइल ढलना कंप्लीट। गाड़ी का मोबाइल चला गया, मोबाइल हो चुका है और देखते हैं क्या क्या बाकी है। तो चलिए, हमारे ब्लैक बेबी में जितना छोटा मोटा काम था जो कि खराब मतलब डिस्टर्ब कर रहा था, सब कुछ को अभी ठीक कर चुके हैं। और अभी बाइक का वॉशिंग वगैरह होगा, मतलब जो धूल मिट्टी लगे हैं सब कुछ वॉश वगैरह किया जाएगा और उसके बाद हम लोग ब्लैक बेबी को लेके यहाँ से निकल जाएंगे। अभी अभी हम ब्लैक बेबी को लेके जा रहे हैं वॉश करवाने के लिए। सबसे पहले रेड वाला बेबी आ गया रे। सबसे पहले लगता है थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए के जाएगा, चेक करने के लिए के जा रहे, चला के आएगा तो देखेंगे कि सब कुछ ओके हुआ कि नहीं। एयर ड्रॉप होके आ चुका है ब्लैक बेबी। अभी इसको वॉश किया जाएगा, पहले लाइन में है वो वाला, फिर इसका होगा। अभी वॉश करना स्टार्ट, ये रहा ब्लैक बेबी का वॉशिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी बहुत गर्मी लग गया मेरे ब्लैक बेबी को, तो इसलिए अभी साबुन से नहला दिया गया है। ये रहा इधर का नज़ारा। आज धूप बहुत तेज है लेकिन इस बार का मौसम का कोई नज़ारा नहीं है भाई, बल पल भर में मौसम चेंज हो जाता है। हमारे गाड़ी में सब कुछ हो चुका है कंप्लीट और अभी फिलहाल बाकी इसमें हवा डलवा रहे हैं, क्योंकि हवा थोड़ा सा कम लग रहा था बाइक के पीछे वाला टायर में और आगे वाले में। तो हवा वगैरह भरवा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। हवा डलना स्टार्ट हो चुका है, चलिए पीछे के टायर में हवा डाल लेते हैं और आगे के भी, आगे में भी पीछे में भी।
तो बाइक को सर्विस करा के और अभी हम लोग आ चुके हैं, अभी हम लोग हैं नरसिंहगढ़ में, यहाँ पर ठेला में हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे। बाकी पसीना से देख सकते हैं पूरा हालत ख़राब हो चुका है। वो रहा हमारा ब्लैक बेबी, वहाँ पर खड़ा है।